गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, माय सेल्फ निकिता पुरवाल फ्रॉम द वर्धमान कॉन्वेंट हायर सेकेंडरी स्कूल। वेलकम टू यू ऑल। एंड आज हम पढ़ेंगे चैप्टर नंबर फर्स्ट, क्लास थर्ड इंग्लिश मीडियम का, सब्जेक्ट इंग्लिश। ठीक है, इंग्लिश सब्जेक्ट का पढ़ेंगे। इस चैप्टर का नाम है बायस नेक्स्ट, यानी कि बाया जो एक बर्ड है उसके नेस्ट का, यानी कि उसके घोंसले के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। हमारी बुक का नाम, जैसा कि आपको पता है, जेलीफिश। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर फर्स्ट से। मैंने बताया आपको कि चैप्टर नंबर फर्स्ट का नाम क्या है, बायाज नेस्ट, यानी बाया का घोंसला। ठीक है, देखा है हमको चैप्टर, वंस अपॉन अ टाइम अ वुड पेकर एंड अ बाया वर गोइंग टुगेदर ऑन अ जर्नी। यानी कि क्या है, एक बार की बात है, ये एक वुड कटर, यानी लकड़ा आ रहा है। आपने देखा ना, एक जानवर रहता है जो लकड़ियों को काटता है पेड़ पे बैठ के, है ना। मतलब एक जानवर रहता है जिसकी चोंच इस तरह से रहती है कि वो लकड़ियों को काटता है। तो एक वुड पेकर और एक बाया, है ना। बाया कौन है, हमारी एक बर्ड है। वर गोइंग टुगेदर ऑन अ जर्नी, ये क्या है, दोनों एक साथ कहीं जा रहे थे एक जर्नी पर। ठीक है, दे फ्लू वूल ऑफ द डे, यानी वो क्या है, दोनों जो है पूरे दिन उड़ते रहे। वो यानी पूरे दिन होता है ना, तो यानी वो दोनों पूरे दिन उड़ते रहे। एट द इवनिंग दे वर टायर्ड एंड फाउंड अ ट्री टू रेस्ट, और क्या हुआ, शाम तक वो क्या है, बहुत ज़्यादा थक गए थे। और फिर उन्होंने क्या करा, वो थक गए थे काफ़ी, तो उन्होंने क्या देखा, एक पेड़ देखा सामने, और उन्होंने सोचा कि इस पेड़ पर हम रेस्ट कर लेते हैं। तो क्या लिखा है यहाँ पे, फाउंड अ ट्री टू रेस्ट, यानी कि एक पेड़ मिला जिस पर वो रेस्ट करने चाहते थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे कि बोथ ऑफ देम इमीडिएटली स्टार्टेड टू बिल्ड अ सेफ प्लेस टू स्पेंड द नाइट। यानी कि क्या है, अगर उन दोनों को पेड़ पे देना था तो उनको कोई सेफ प्लेस चाहिए थी, तो उन्होंने क्या करा, दोनों ने क्या स्टार्ट करा, देम इमीडिएटली स्टार्ट बिल्ड अ सेफ प्लेस टू स्पेंड द नाइट। यानी दोनों ने क्या है, बहुत जल्दी जल्दी तैयारियाँ करी, क्योंकि उनको रात पूरा वहीं रुकना था, क्योंकि इवनिंग हो गई थी और उन्हें वहीं रुकना था। इसलिए उन्होंने क्या करा, जल्दी जल्दी क्या करना शुरू किया, अपने लिए एक सेफ प्लेस ढूंढना स्टार्ट कर दी। यानी सेफ प्लेस, जैसे चिड़िया वगैरह बनाती है ना अपने पेड़ पे घोंसला बना के देती है, ऐसे ही उन दोनों ने भी क्या स्टार्ट कर दिया, एक सेफ प्लेस बनाना स्टार्ट कर दी, क्योंकि उनको नाइट वहीं रुकना था। देने वुड पेकर वेंट टैप टैप टैपिंग मेकिंग अ राउंड होल इन द ट्रंक ऑफ द ट्री। मैंने जैसा कि बताया कि वुड पेकर क्या करता है, लकड़ी को काटने का काम करता है, तो उसने क्या करा, टैप 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 करते हुए क्या करा, एक गोल छेद बना दिया काई में, पेड़ पर, ट्रंक ऑफ द ट्री। ट्री की जो ट्रंक रहती है, ट्री की जो रहती है ना क्या रहती है, ट्री में डालियाँ रहती है ना ट्री की, वहाँ पर उसने क्या कर दिया, होल बनाना स्टार्ट कर दिया, और एक गोल राउंड होल क्या बना के तैयार कर दिया। बायर सर्च्ड फॉर ग्रास एंड वोव देम इन एंड आउट, और उसने क्या करा, जो एक और चिड़िया थी, जो बाया थी ना, उसने स्टार्ट करा क्या ढूंढना स्टार्ट करा, ग्रास यानी घास ढूंढना स्टार्ट करी, और उसको उस होल में, जो होल वुड पेकर ने, यानी कि जो उसने बनाया था लकड़ा देने, उसमें उसने ग्रास डालना स्टार्ट करी, यानी घास डालना स्टार्ट करी, क्योंकि उन्हें वहाँ रुकना था, तो उनको एक होम चाहिए था एक तरह से रात के गुजारने के लिए। तो उन्होंने क्या करा, जो बाया लाई उसने क्या करा, घास को उस होल में डाल दिया, इन एंड आउट टू मेक अ स्नग नेस्ट। हाँ, तो उसने क्या किया, इन एंड आउट, मैंने बताया ना, इन एंड आउट क्या करा उन्होंने, स्नग नेस्ट बनाने के लिए क्या कर रही थी, वो घास डाल रही थी, यानी कि क्या है, अंदर बाहर वो घास डाल रही थी, स्नग यानी गर्म, नेक्स्ट नेस्ट यानी घोंसला बनाने के लिए। तो बाया ने क्या करा, सर्च की घास को और उसको क्या करा, बिछा दिया काई में, घोंसले में, और क्या करा, बाहर और अंदर दोनों जगह बिछा दिया, क्योंकि उनको एक तरह से घर बनाना था, रात रुकनी थी, तो उसने बाहर और अंदर एक स्नग हाउस यानी नेस्ट, यानी कि एक गर्म घर बनाने के लिए, गर्म घोंसला बनाने के लिए घास बिछा दी। व्हेन दे प्रिपेयर नेस्ट, जब उनका घर, कौन सा घर, चिड़िया का कौन सा घर होता है, घोंसला होता है ना, तो जब उनका घोंसला बन के तैयार हो गया, दे टुक रेस्ट इन देयर नेस्ट, और उन्होंने क्या करा, फिर जैसे ही घोंसला तैयार हो गया, तो उन्होंने क्या करा, वहाँ पे घोंसले में अपनी, जैसे ही घोंसला बन के तैयार हो गया, उन्होंने क्या करा, रेस्ट करा काई में, अपने नेस्ट में, रेस्ट यानी आराम किया काई में,
उनके जो घोंसला बनके तैयार हो गया था तो उसमें उन्होंने क्या करा, आराम किया। एट मिडनाइट सडनली अ टेरिबल स्टॉर्म अरोज। अब क्या हो गया, रात वहीं गुजार रहे थे ना वो, तो एकदम से क्या हुआ, बहुत रात में क्या हो गया, एकदम से क्या हो गया, सडनली यानी अचानक, अ टेरिबल स्टॉर्म अरोज यानी कि एक बहुत भयानक स्टॉर्म यानी तूफान आ गया। ठीक है, तो रात को वो वहीं रुके तो उसमें क्या हो गया, बहुत रात को क्या हो गया, एकदम से बीच रात में क्या हो गया, एक बहुत भयानक तूफान आ गया। ठीक है, द वाइंड रोड यानी हवाएं जो है वो बहुत ज़ोर ज़ोर से चल रही है। आपको पता है ना तूफान आता है तो कैसा होता है, बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं चलने लगती है। ठीक है, तो ऐसा उनके साथ हुआ, वो जहाँ रुके हुए थे वहाँ पे क्या हो गया, एकदम से स्टॉर्म आ गया यानी कि क्या हो गया, तूफान आ गया और बहुत ज़ोर ज़ोर से हवाएं